भी नहीं निकला है। हमसे वादा किया गया, मेरी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ वादा किया गया कि केंद्र के साथ आपकी बातचीत की जाएगी, और यह भी वादा किया गया कि आपकी वहां पे सुनवाई होगी। आप एलजी से आप मिले नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 8 महीने पहले, मुझे याद है, झूठ है तो बोलिए, हाँ खड़े करके मिले थे ना, और रहबरे खेल वाले भी मिले थे, जंगलात वाले भी मिले थे, लेकिन अफसोस केंद्र को भी मालूम है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को भी मालूम है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मालूम है, लेकिन जब यहां से बड़े बड़े चुने हुए नेता जो खुद को आपके वकालत करने की नुमाइंदगी करते थे, जब वो दिल्ली में जाते हैं और उन्हें ये खाली हाथ वापस कर दिया जाता है कि एलजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात कीजिए, बेहद अफसोस की बात है। बेहद अफसोस की बात इसलिए है कि एलजी साहब को खुद मालूम था, चीफ सेक्रेटरी साहब को खुद मालूम था कि नेशनल यूथ कॉर्प्स की, बेरोजगार नौजवानों की, डेली वेजर्स की, जंगलात की, मनरेगा के बच्चों की, और जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स है, कंटिजेंट पेड वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, लेकिन इस वक्त मुझे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों का बहुत प्यार आया। उन्होंने कहा सर थोड़ा सा आइए हमें शामिल हो जाइए, तो मैंने ये अपने लिए बड़ी सौभाग्य की बात समझी। देश का मुस्तकबिल है आप, देश का मुस्तकबिल है आप, ये टीचर्स जिनकी इनकी बेकदरी की गई, जब भी आप आवाज उठाने के लिए जाते हैं हम पे लाठी चार्ज की जाती है, जेलों में भर दिया जाता है, घसीट घसीट के पीटा जाता है, मारा जाता है, तब इनके कानून कहां चले जाते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे माननीय, हेलो, अफसोस की बात मेरी बहनों बेटियों ये है कि जहां से बड़े बड़े जो दावा करते थे आपको इंसाफ दिलाएंगे, केंद्र में गए, केंद्र से खाली हाथ आ गए, खाली हाथ लटकाते हुए आगे आपके बीच में आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें फेंकते हैं, ऐसे बातें करते जैसे भाषण प्रतियोगिता चल रही हो इस प्लेटफॉर्म के। अरे भाई ये मासूम लोग, वो कहते हैं पहले हमें नौकरी दिलाओ, हमें 50 के पार कराओ, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, फिर सोचेंगे। अरे 2014 से आप ही की तो सरकार है साहब, केंद्र में आपकी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपके, तो फिर ये बातें पूरी क्यों नहीं हो रही है मेरे भाइयों। अब मैं दूसरा बात, चलिए अगर इनकी नहीं सुनी गई तो हमारे माननीय अमित शाह जी जम्मू के दौरे के ऊपर आए थे, आपने काली लोहड़ी मनाई, हाथ खड़े करें कि आपने काली लोहड़ी मनाई, आप लगता है नहीं मनाई आपने, इसलिए हाथ नहीं खड़े हुए, बच्चे हैं मेरे सड़कों के ऊपर, ठंड में, धूप में, प्यासे, धुंध में, कश्मीर से आए हुए मेरे लैबरे खेल के बच्चे हैं, रोज टेलीफोन कॉल्स आती हैं, इतना दर्द होता है आपकी बातें सुन के मैं बयान नहीं कर सकता, बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त कर लीजिए, जितना जुल्म कर रहे हैं हम में भी ताकत है, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्लैप क्लैप। चलिए ये भी, और मानिए अली साहब मेरी बहनों